हाय मेरी YouTube फैमिली, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी लाइफ में मस्त होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज फिर आप सभी के लिए एक नई वीडियो लेकर के आई हूँ। जी हाँ, तो फ्रेंड्स आज की जो रेमेडी है वो फेस्टिवल स्पेशल रेमेडी है। हर किसी की ख्वाहिश होती है कि हम हर फेस्टिवल पे सबसे अलग दिखे, हमारी स्किन की सारी समस्या दूर हो जाए, हमारी स्किन पे जितनी भी टैनिंग है वो गायब हो जाए, हमारी स्किन पे जो भी दाग धब्बे हैं वो चले जाए और हमारी स्किन पहले से भी ज्यादा हेल्दी, ग्लोइंग, लाइट और ब्राइट हो जाए। जो लूज हो चुकी है वो टाइट भी हो जाए। तो आज आप सभी को एक ऐसी रेमेडी बताती हूँ, करवा चौथ दिवाली फेस्टिवल पे आप रेडी होने के 20 मिनट पहले आप इस रेमेडी को अगर अपने चेहरे पे लगाते हैं तो आपकी स्किन पे जो एक लेयर जमा हो गई है, जिस वजह से आपका ग्लो कहीं खो गया है, जिस वजह से आपकी स्किन पहले से भी ज्यादा डार्क हो चुकी है, आपकी स्किन पे टैनिंग है, सनबर्न की प्रॉब्लम है और जिस वजह से आपकी स्किन और भी ज्यादा डार्क होती चली जा रही है, तो अगर 20 मिनट पहले आप इस रेमेडी को लगाते हैं ना तो आपकी स्किन पे जो लेयर जमा है उसे ये निकाल के बाहर कर देगा, मैजिक करेगा, 20 मिनट में मैजिक करेगा। विश्वास नहीं होता है तो 20 मिनट पहले इस रेमेडी को लगा लीजिएगा। इसके दो स्टेप हैं। अगर आपने करवा चौथ दिवाली पे फेशियल नहीं कराया है या आपके पास टाइम नहीं है तो ये फेशियल से भी कई गुना आपके फेस पे ग्लो लाता है, निखार लाता है और साथ ही साथ आपकी टैनिंग को रिमूव करता है, आपके डार्क स्पॉट को रिमूव करता है। जी हाँ, इस करवा चौथ दिवाली पे आपका चेहरा चांद से भी ज्यादा चमकदार दिखेगा, आपके चेहरे पे ग्लो रहेगा और अगर आपके चेहरे पे काले दाग धब्बे हैं, पिगमेंटेशन है तो 20 मिनट में तो जाने वाला नहीं है। उसके लिए क्या करना होगा, कम से कम 15-20 दिन आपके पास टाइम है तो आज से ही आप एक आलू लीजिए, उसे घिसिए, घिसने के बाद उसे निचोड़ लीजिए, निचोड़ने के बाद जो आलू का जूस निकलेगा, पोटैटो जूस, उसमें आपको एक चम्मच बेसन मिक्स करना है, चुटकी भर हल्दी डालना है, अच्छे से मिक्स करना है और इस फेस पैक को डेली अपने चेहरे पे लगाइए। इससे आपके चेहरे पे जो काले दाग धब्बे हैं, छाइयां हैं, वो 15 दिन में चली जाएगी। जी हाँ, और ये फेस पैक आप 20 मिनट पहले अपने चेहरे पे लगाते हैं तो आपकी स्किन एक्सफोलिएट होती है, क्योंकि हम यहाँ पे एक स्क्रब बनाएंगे जो हमारी स्किन से सारी डेड सेल्स को निकालेगी, जो हमारी स्किन को डीप क्लीन करेगी। बातें ज्यादा ना करते हुए फटाफट हम रेमेडी की तरफ चलते हैं। तो रेमेडी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक बाउल लिया है और इस बाउल में आपको लेना है एक बड़ा चम्मच कॉफी पाउडर। जी हाँ, कॉफी में कैफीन होता है और ये कैफीन हमारी हेल्थ को नुकसान पहुंचाता है, बट यही कैफीन हमारी स्किन को ग्लोइंग बनाता है, हमारी स्किन को हाइड्रेट करता है। तो मैंने यहाँ पे एक बड़ा चम्मच ये कॉफी पाउडर ले लिया है। जी हाँ, अब इसके बाद हम इसमें जो ऐड करेंगे वो लेंगे शुगर पाउडर, चीनी। अगर आपकी चीनी छोटे छोटे दानों वाली है तो आपको यूं ही ले लेना है, अगर चीनी बड़े दानों वाली है तो आपको हल्का सा दरदरा कर लेना है और इसे डाल के अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसके बाद हम यहाँ पे जो ऐड करेंगे वो लेंगे कर्ड, दही। जी हाँ, दही में लैक्टिक एसिड पाया जाता है जो हमारी स्किन को चमकीला बनाता है, लचीला बनाता है और साथ ही साथ हमारी स्किन पे ग्लो भी लाता है। हमारी स्किन पे जो एक मोटी सी लेयर जमा हो गई है जो निकलने का नाम नहीं लेती है और इसी वजह से हमारी स्किन डार्क होती चली जा रही है, तो वो मोटी सी लेयर ये दही निकाल के बाहर कर देता है। तो हमने यहाँ पे एक चम्मच दही लिया, अब इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। ठीक है, ये देखिए, इसे हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये रेमेडी आपकी स्किन की काया पलट देगी सिर्फ 20 मिनट में। अब यहाँ पे मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर दिया। अगर आपकी स्किन को नींबू सूट करता है तो आप यहाँ पे हाफ स्पून लेमन जूस पी लेंगे। तो नींबू तो मेरी स्किन को सूट करता है तो मैं यहाँ पे हाफ स्पून लेमन जूस ऐड कर देती हूँ। ठीक है, अगर आपको इचिंग होती है, रैशेस होते हैं तो आप इसे स्किप कर दीजिएगा। नींबू में विटामिन सी पाया जाता है जो हमारी स्किन को लाइट करता है, ब्राइट करता है और साथ ही हमारी स्किन पे जो दाग धब्बे हैं उसे निकालने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। तो ये हमारा स्क्रब बनके रेडी हो गया। तो चलिए फटाफट इसे हम फेस पे लगा लेते हैं और इसके बाद हम बनाएंगे यहाँ पे फेस पैक। हाँ जी फ्रेंड्स, ये हमारा फर्स्ट स्टेप होगा स्क्रब। तो सबसे पहले आपको फेस वॉश करना है, फेस को अच्छे से क्लीन कर लेना, फेस पे कोई भी मेकअप नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद रेमेडी आपको लेना है, पूरे फेस पे अप्लाई करना है और सर्कुलेशन मोशन में हल्के हल्के हाथों से आपको स्क्रब करना है। आपको लगता है कि मैं बहुत फास्ट कर रही हूँ तो ऐसा नहीं है, मैंने वीडियो को फास्ट कर दिया है। आपको ये स्क्रब 2 मिनट तक करना है।
जहाँ पे आपको ब्लैक हेड्स की प्रॉब्लम ज़्यादा है, जैसे नोज एरिया पे, अपर लिप्स पे, तो वहाँ एक्स्ट्रा टाइम आपको और देना है, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से थोड़ा सा मैं ये रेमेडी पूरे फेस अप्लाई करती हूँ, फिर से मैं स्क्रब करती हूँ, ठीक है। कम से कम 2 मिनट करना है, और इस स्क्रब को आप फुल बॉडी पे भी लगा सकते हैं। आपकी स्किन की जितनी भी टैनिंग है ये एक बार में ही गायब कर देती है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आपको क्या करना है, एक कॉटन के कपड़े को लेना है, उसे डिप करना है पानी में, निचोड़ के इस तरीके से क्लीन कर देना, और आप देख सकते हैं आपकी स्किन पे जितनी भी डेड सेल्स थी, जितनी भी गंदगी थी, वो एक बार में ही निकल गई, और फर्स्ट स्टेप में ही आपकी स्किन बहुत ही ज़्यादा ग्लो करने लगी। ये दूसरे स्टेप में जा कर के और भी आपकी स्किन पे चमक लाएगा। तो यहाँ पे मैंने पूरे फेस को अच्छे से क्लीन कर लिया है, ठीक है हमारे फेस। तो फ्रेंड्स आपने देखा स्क्रब किस तरीके से करना है, और स्क्रब करने के बाद हमारी स्किन कितनी ज्यादा लाइट हो जाती है, और किस तरीके से हमारी स्किन से सारी डेड सेल्स निकल के बाहर हो जाती है। अब तो यहाँ पे हमारी स्किन क्लीन हो चुकी है, अब हमें एक ऐसा फेस पैक बनाना है जो हमारी स्किन पे ग्लास की तरह चमक लाएगा, जो हमारी स्किन को डायमंड की तरह चमकाएगा। करवा चौथ के दिन सिर्फ 20 मिनट पहले आप इस फेस पैक को जरूर लगाइएगा। शादी पार्टी में जा रहे हैं तो 20 मिनट पहले लगा लीजिएगा। सबकी नजरें आप पे ही टिकी रहेंगी, सब आपको ही देखेंगे और पूछेंगे आजकल आप कौन सा फेशियल करा रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे फेस पैक बनाने के लिए हमने एक बड़ा चम्मच ये कॉफी पाउडर लिया, जो हमारी स्किन को हाइड्रेट करेगा, जो हमारी स्किन पे इंस्टेंट ग्लो लाएगा, हमारी स्किन को इंस्टेंट लाइट करेगा, ब्राइट करेगा, और हमारी स्किन पे जहां भी डार्क स्पॉट है, ब्राउन स्पॉट है, उन्हें निकाल के बाहर कर देगा। अब इसके बाद हम यहाँ पे जो ऐड करेंगे फ्रेंड्स, वो हम लेंगे चावल का आटा। ये देखिए राइस फ्लोर, ये मार्केट का है, ठीक है। अगर आप ये फेस पैक हफ्ते में 4 बार लगाते हैं, 5 बार लगाते हैं राइस फेस पैक, तो आपको हमेशा ध्यान ये देना है जो हम चावल का आटा लेंगे ना, वो मार्केट का ही लेंगे, क्योंकि जो मार्केट का चावल का आटा होता है वो फाइन पाउडर होता है, कहीं से भी हल्का सा दरदरापन नहीं होता है, और जो हम घर पे पीस के मिक्सर में बनाते हैं ना, उसमें कुछ कण छोटे छोटे रह जाते हैं, और अगर हम उसे रोजाना या हफ्ते में 4 बार भी लगाते हैं तो वो फेस पैक का काम नहीं करता, वो स्क्रब का काम करता है, जिससे हमारी स्किन डैमेज हो सकती है, रसस हो सकते हैं। इसलिए मैं अक्सर कहती हूँ आप मार्केट का ही राइस मतलब चावल का आटा लीजिए, आपको ऑनलाइन ऑफलाइन बड़ी आसानी से मिल जाता है, ठीक है। ये चावल का आटा आपकी स्किन को व्हाइट करता है। आप चाहते हैं ना आपकी स्किन एक्स्ट्रा व्हाइट हो जाए, आपकी स्किन एक्स्ट्रा फेयर हो जाए, तो इससे ज्यादा पावरफुल कोई भी रेमेडी नहीं है। तो मैं यहाँ पे 1 चम्मच ये चावल का आटा इसमें मिक्स करती हूँ। ये आपकी स्किन को टाइट भी करता है, एंटी एजिंग की प्रॉब्लम को भी दूर करता है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने चावल का आटा ले लिया, इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। तो फ्रेंड्स अब इसमें हम दूसरी चीज जो ऐड करेंगे वो हम लेंगे लाल मसूर की दाल का पाउडर, जो मैंने पहले से ही घर पे बना के स्टोर किया है, ये आप देख सकते हैं। इस तरीके से आपको लाल मसूर की दाल लेना है, उसे पीस के आपको पाउडर आपको आराम से मिल जाएगा, देखिए बिल्कुल फाइन पाउडर है। इस तरीके से आपको बना करके रख लेना है। ये लाल मसूर की दाल आपकी पिगमेंटेशन को दूर करने में, आपके काले दाग धब्बों को दूर करने में, और साथ ही साथ झुर्रियों को दूर करने में बहुत ही ज्यादा हेल्प करता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे 1/2 चम्मच ये मसूर की दाल का पाउडर भी लेंगे। अगर आपके पास मसूर की दाल का पाउडर नहीं है तो आप यहाँ पे बेसन भी ले सकते हैं। अब इसमें हम जो ऐड करेंगे वो लेंगे ऑरेंज पील पाउडर। अगर आपने घर पे संतरे के छिलकों को सुखा के उसका पाउडर बना के रखा है तो उससे अच्छा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल नेचुरल है, 100% नेचुरल है, आप वो ले सकते हैं। बट आपके पास नहीं है तो जिस तरीके से मैंने ये मार्केट का लिया ऑरेंज पील पाउडर, आप वो ले सकते हैं। ये भी हम लेंगे 1/2 स्पून, और इसे भी अच्छे से मिक्स करेंगे। ये ऑरेंज पील पाउडर आपकी स्किन को निखारता है, आपके कलर को फेयर करता है। अच्छे से सारी चीजों को आपको मिक्स कर लेना है। ये देखिए मैंने अच्छे से सारी चीजें मिक्स कर ली है। मिक्स करने के बाद अब इसमें हम ऐड करेंगे 1/2 स्पून हनी शहद, जो सुपर मॉइस्चराइजर है, आपकी स्किन को हील करता है, नेचुरल तरीके से आपकी स्किन को मॉइस्चराइज रखता है, जिससे आपकी स्किन रूखी बेजान नहीं होती है, और आपकी स्किन पे उम्र के पहले झुर्रियां नहीं आती है। तो हनी रोजाना आप नींबू पानी के साथ लीजिए, जी हाँ, और चाहो तो रोजाना हनी को अपने फेस पे लगा लीजिए। अगर आपकी स्किन बहुत ज्यादा रूखी रहती है तो हनी हल्दी मिक्स करके अपने फेस पे लगाइए, आपकी स्किन का रूखापन चला जाएगा। तो इसे अच्छे से हमने मिक्स कर लिया। मिक्स करने के बाद अब लास्ट में हम जो ऐड करेंगे वो लेंगे दही, जी हाँ, जो हमारी स्किन के लिए वरदान है, हमारी स्किन को फेयर करने के लिए, हमारी स्किन के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। हेल्थ के लिए तो है ही है, हमारे बालों के लिए भी है। हमारी स्किन को ये नरिश करता है, हमारी स्किन को ये हील करता है,
और जब हमारी स्किन हील रहती है, नरिश रहती है, तो हमारी स्किन रूखी नहीं होती है। और जब हमारी स्किन रूखी नहीं होगी तो हमारी स्किन पे रेसेस नहीं होंगे, हमारी स्किन झुर्रियां नहीं होंगी, हमारी स्किन उम्र के पहले लूज नहीं होगी, लटकेगी नहीं, ठीक है। तो इसे अच्छे से मिक्स करने के लिए हमने यहाँ पे 2 चम्मच दही लिया है और इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। अब इस फेस पैक को मैं लगा के आपको दिखाती हूँ कितना मैजिक रिजल्ट आता है। हर फेस्टिवल पे सबकी नजरें आप पे ही टिके रहेगी। ये मैजिक फेशियल कराने से नहीं पा सकते हैं, क्योंकि फेशियल कराने के बाद आपके फेस पे ग्लो नहीं आता है, एक दिन बाद ही आता है। बट जो ये फेस पैक है आपके चेहरे पे तुरंत ग्लो लाता है, तुरंत ही आपकी स्किन की काया पलटता है, ठीक है। तो चलिए अब इसे मैं लगा के दिखाती हूँ इसे किस तरीके फेस पे लगाना है जिससे आपको 100% रिजल्ट मिले, ठीक है। चलिए तो स्क्रब करने के बाद इस फेस पैक को हम लगाएंगे। एक मोटी सी लेयर लगाना है आपको, हफ्ते में 3 या 4 बार भी आप इस फेस पैक को लगा सकते हैं। बट पहली बार हम कोई भी रेमेडी लगाते हैं तो एक फेस टेस्ट जरूर करते हैं कि हमारी स्किन के लिए ये रेमेडी बनी है या नहीं। अगर आपके चेहरे पे इचिंग हो रही है, रेसेस हो रहे हैं, तो आप इस रेमेडी को नहीं लगाएंगे। तो एक मोटी लेयर लगाने के बाद 20 मिनट लगा के रखेंगे। 20 मिनट के बाद ये आपके फेस पे अच्छे से सूख जाएगा। 20 मिनट में नहीं सूखता है तो आप थोड़ा सा टाइम और देंगे। इसके बाद आपको इसे हटाना है किस तरीके से। एक कॉटन के कपड़े को पानी में डिप करेंगे, निचोड़ेंगे और इस तरीके से क्लीन करेंगे। और शीशे में, आईने में जब अपनी स्किन को देखेंगे तो आपके चेहरे पर यही स्माइल रहेगी। जी हाँ, बिना कोई पैसे खर्च किए इतनी ग्लोइंग स्किन आप एक बार में कैसे पा सकते हैं? अपने स्किन से सारी टैनिंग को कैसे गायब कर सकते हैं? जैसे मैंने किया ठीक इसी तरीके से गायब कर सकते हैं, बट जैसे मैं बता रही हूँ वैसे ही आपको इस रेमेडी को बनाना होगा, लगाना होगा। और यहाँ पर मैंने फेस को ठंडे ठंडे पानी से अच्छे से क्लीन कर लिया है और आप देख सकते हैं मेरे फेस पे एक अलग सी चमक है। मेरी स्किन बहुत ही ज़्यादा क्लीन हो गई है और यहाँ पे मेरे फेस पे एक पिंपल्स भी है, तो कुछ टाइम बाद वो भी चले जाएंगे।